अपने अफसर को खोने का गम तो बहुत है, दिल भारी भी है, लेकिन वर्दी भावनाएं छलकने नहीं देती। मां भारती पर कुर्बान हुए मेजर को आखिरी बार साथियों ने विदा किया। अलविदा, जाओ लौट जाओ, तुमने देश पर अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया है। माँ बाप को पहली बार इस तरह बेटे के घर लौटने का गम था। कौन माँ बाप जवान बेटे को इस रूप में देखना चाहता है? पर नियति को शायद यही कठोर दंड मंजूर था। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। देहरादून में मेजर के घर पर कोहराम मचा हुआ है। किसी रिपोर्टर की जिंदगी में वो लम्हा सबसे कमजोर होता है, जब उसे ऐसे मौके पर रिपोर्ट करनी हो और उस परिवार के साथ जिस परिवार ने अपना सब कुछ खोया है। मेजर बेस्ट ड्यूटी पर अपनी जान दे दी। घर में मातम पसरा है। 15 दिन पहले मेजर चित्रेश बिष्ट की सगाई हुई थी। अगले महीने 7 मार्च को मेजर 7 फेरे में बंधने वाले थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। घर वालों का इंतजार इतना लंबा हो गया है कि वो अब कभी लौट नहीं पाएगा। बेटे की बारात की जगह घर से अर्थी उठने जा रही है। किसने सोचा था कि जिस घर का बेटा अपना परिवार दोस्तों को छोड़ करके ड्यूटी पे गया, वो शायद वापस ही नहीं लौटेगा। मेजर बिस्ट के साथ पढ़ने वाले मेजर रमोला जब आखिरी बार गए थे, उस दिन क्या क्या बातें हो रही थी? उसने मुझसे यही कहा था कि भाई सारे कोर्स तेरे साथ किए हैं, एक कोर्स मैंने इस बार पहले कर लिया है। कहने वाला शेर नहीं था, हम उसको नाम ही टाइगर बोलते थे। जवान बेटे की मौत का गम बहुत भारी है। संसार में शायद दुखों की फहरिस्त में सबसे ऊपर सेना से उसकी छुट्टी मंजूर हो चुकी थी। 28 फरवरी को दोस्त स्वागत की तैयारी भी कर चुके थे, लेकिन बेटा 28 से पहले ही घर लौट आया, वो भी तिरंगे में लिपटा हुआ, सबको रुलाता, सबको तड़पाता हुआ। 31 साल में ही मेजर ने देश के नाम सर्वोच्च निछावर कर दिया। 16 फरवरी को मेजर चित्रेश बिष्ट LOC पर लैंडमाइन को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और मेजर शहीद हो गए। बच्चे की ये आने वाली 7 मार्च को शादी थी, तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। हम उस परिवार को सांत्वना देते हैं कि वो सहने की शक्ति दे भगवान उनको। सेना ने एक सैनिक खोया, देश ने सपूत और माँ बाप ने बेटा। परिवार के लिए ये पल बहुत भारी है। मेजर का पार्थिव शरीर आज माँ बाप के पास रहेगा, अंतिम संस्कार कल तय है।